जय गणेश फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये प्रेडिक्शन है दैनिक राशिफल 19 जून 2017 प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो आज का पंचांग है इसके बारे में, तो पंचांग कुछ इस प्रकार है। विक्रम संवत 2073 जेठ व दशम सोमवार, नक्षत्र रेवती है शाम को 5:26 तक और उसके बाद नक्षत्र चलेगा अश्विनी। योग शोभन है रात को 9:12 तक, उसके बाद योग है अतिगण और करण है वणिज, वणिज दोपहर में 2:20 तक और उसके बाद चलेगा करण भव। चंद्र राशि मीन है शाम को 5:26 तक और उसके बाद चंद्र चलेंगे मेष राशि में और तिथि जो है वो दशम है। तो आज की जो तिथि है वो वृषभ कन्या एवं मीन तीन राशि के लिए घात तिथि में आती है। तो वृषभ कन्या और मीन राशि वाले जो भी जातक हैं उनको जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं आज के वीडियो में प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन एवं मेष के अंदर चलने वाले चंद्र सोमवार 19 जून 2017 को, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए चंद्र 12वें स्थान के अंदर है, शाम को 5:26 तक मेष राशि के लिए 12वां चंद्र है। 12वां चंद्र आपके लिए शुभ नहीं है, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, आपके खर्च शायद बढ़ सकते हैं। 5:26 के बाद चंद्र चलेंगे आपकी राशि के अंदर, तो मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि करने वाले बनेंगे, लेकिन ऐसा आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि चंद्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे। अश्विनी नक्षत्र में अश्व योनि आती है जिसके कारण माइंड आपका ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वृषभ राशि के लिए जो चंद्र 11वें स्थान से 12वें स्थान के अंदर चलेंगे, तो शाम को 5:26 तक आपके लिए 12वां चंद्र होगा और वैसे भी जो आज की तिथि है वो घात तिथि में आती है दशम, तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और ख़ास करके आपको मित्रों के साथ, संतानों के साथ और एब्रॉड रिलेशन या एब्रॉड कनेक्शन से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना आ जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए, उसका खास केयर करना होगा। मिथुन राशि के लिए जो चंद्र हैं वो आपके 10वें एवं 11वें स्थान के चंद्र हैं। बिजनेस में, कारोबार में तरक्की होती है, मित्रों से लाभ रहेगा, संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, तो दिन आपके लिए शुभ है। कर्क राशि के लिए जो है वो 9वें एवं 10वें स्थान के चंद्र बनते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ रहेगा, बिजनेस में ट्रैवलिंग से बेनिफिट हो सकता है, मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ दिन है, ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट मिल सकता है। सिंह राशि के लिए चंद्र 8वें स्थान से निकलकर चलेंगे 9वें स्थान के अंदर, तो शाम को 5:26 के बाद चंद्र चलेंगे आपके भाग्य स्थान में, जो आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे, नए साहस करवाएंगे और नए साहस से आपको लाभ रहेगा। कन्या राशि के लिए चंद्र जो है वो आपकी राशि से सप्तम स्थान से निकलकर चलेंगे 8वें स्थान के अंदर, तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। 8वें स्थान में जब चंद्र चलते हैं तो आपको पानी से सावधान रहना पड़ता है। पानी से सावधान रहने का मतलब यह है कि यदि आप नदी, तालाब, समुंदर के किनारे घूमने जाते हैं तो पानी में अंदर ना उतरे, अन्यथा पानी आपके लिए घातक हो सकता है। वीकेंड में केयर करें और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करें शाम को 5:26 के बाद। तुला राशि के लिए चंद्र 6वें एवं 7वें स्थान के अंदर है, तो आपके लिए शुभ है, तो दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ाने वाले होंगे, तुला के लिए दिन शुभ है। वृश्चिक राशि के लिए जो चंद्र चलेंगे 5वें एवं 6वें स्थान के अंदर, तो ये भी आपके लिए शुभ है, आपको संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, मित्रों से लाभ रहेगा और एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। धनु राशि के लिए जो चंद्र हैं वो चतुर्थ एवं 5वें स्थान के चंद्र होंगे, तो शाम को 5:26 तक आप ज़्यादा टेंशन का महसूस करेंगे, लेकिन 5:26 को जब चंद्र परिवर्तन हो जाते हैं, चलेंगे 5वें स्थान के अंदर, तो थोड़ी सी आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे और शाम को आप संतान रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, संतान के कार्य आपके हो सकते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी प्रोग्रेस महसूस होगा, मित्रों से लाभ रहेगा और रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। मकर राशि के लिए जो चंद्र हैं वो 3रे एवं 4थे स्थान के चंद्र बनेंगे, तो
5:26 तक शुभ है, लेकिन उसके बाद चंद्र चलेंगे चतुर्भाव के अंदर, तो जो सामान्यतः थोड़ा सा टेंशन महसूस करवाएंगे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। कुंभ राशि के लिए चंद्र जो है वो आपके लिए, जो कुंभ राशि के लिए चंद्र का जो भ्रमण है वो दूसरे एवं तीसरे स्थान के अंदर होगा, तो ये आपके लिए शुभ है। मीन राशि के लिए चंद्र जो है वो आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर होंगे, तो ये भी आपके लिए शुभ है। वाणी से धन प्राप्ति होती है, कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि होती है। हालांकि जब चंद्र दूसरे स्थान के अंदर चलते हैं तो आप पानी से बचे, पानी से सावधान रहें। पानी से सावधान रहने का मतलब ये है कि आप नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाते हैं तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरें। आज का जो तिथि है वो दशम है, वो खास करके वृषभ कन्या एवं मीन राशि के लिए है, तो ये तीन राशि वाले जो जातक हैं वृषभ कन्या मीन, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। हालांकि जो ये तिथि दशम है आपके लिए घातक है, इसलिए कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, खास करके वृषभ कन्या मीन राशि वाले दिन शांति से पास करें। बाकी सब राशियों के लिए शुभ है। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।